सोनीपत में मंगलवार शाम को फोम के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में फोम रखा होने के कारण आग बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से कई घंटों तक आग पर काबू नहीं हो पाया है और कई कर्मचारी घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आग को काबू करने के लिए 2 दर्जन से भी ज्यादा फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। आखिर आग कब लगी और कैसे लगी, पूरा मामला आपको अपनी खास रिपोर्ट से बताते हैं। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव रतनगढ़ में फोम बनाने की फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। अपेक्स फोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फोम के गद्दे बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में आग लगने से अचानक सनसनी फैल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मौके पर आग का तांडव देखकर हर कोई सहमा हुआ नजर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के एक गोदाम कई घंटों तक जलता रहा। ये JKB फैक्ट्री रतनगढ़ में आग लगी हुई है। गाड़ी बहुत देर में आई है, गाड़ी आई है सिर्फ 2 आदमी, एक ड्राइवर है, एक उसके साथ कंडक्टर, कुछ भी कह लो, आग बुझाने वाला कोई वो टेक्निकल आदमी नहीं है इनमें, है ना। फिर कहते हैं तो हमारा पानी खत्म। आग लगी है, आग लगे हुए 1-1.5 घंटा। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? फॉर्म की फैक्ट्री है। कोई अंदर भी फंसा हुआ कर्मचारी? एक आदमी बच्चा कहता है घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। दो हैं, दो हो गए हैं। अब मेरे को एक का पता लगा ना। आग लगने की सूचना मिली थी, मिलते ही हमने जो है ना 5 गाड़ियां तुरंत निकाल दी थी, क्योंकि फोम की आग थी, ये आग ज़्यादा भड़कने के चांसेस थे इसके, इसलिए हमने 5 गाड़ियों टर्नआउट फर्स्ट टाइम पे लिया था। उसके बाद हमने जितनी भी गाड़ी थी डिस्ट्रिक्ट की वो निकाला दी। उसके साथ साथ हमने मदद के लिए अपने पानीपत से भी 2 गाड़ियां ली हैं, झज्जर से भी डिस्ट्रिक्ट से 2 गाड़ियां आ रही हैं, रोहतक से भी 2 गाड़ियां आ रही हैं। अलर्ट कर दिया आसपास? हाँ बिल्कुल, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उनको अलर्ट कर दिया गया। जरूरत होगी तो और मंगा लेंगे। लगभग 18 गाड़ियां फिलहाल मौके पर काम कर रही हैं, बाकी रास्ते में होंगे। अगर बात करें ये किस प्रकार की फैक्ट्री थी, किस नाम से फैक्ट्री थी? ये फोम के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री है, फोम अपेक्स फोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनका नाम है। यहाँ से ले लो फोटो, इसका लेना लो जी। हाँ बाकी लग रहे हैं, हो जाएगी कंट्रोल जल्दी। कितने घंटे से आग लगी है, लगातार प्रयास चल रहा है? लगभग 1.5 घंटा हो गया। क्या कारण मान रहे हैं अभी? वो जांच का विषय है, वैसे बाद में देखेंगे उसके। अच्छा, आग जैसे कंट्रोल पाने में थोड़ी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि केमिकल युक्त ये फोम था, तो किस प्रकार से चैलेंज? नहीं, हमारे पास फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए अलग से एक केमिकल होता है जिसको EFFF बोलते हैं, हमने वो उसका यूज़ कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी आग कंट्रोल हो जाएगी। आसपास की जो गोदाम है उनको हम कूलिंग सिस्टम से ठंडा कर रहे हैं ताकि उसमें आग ना फैले। किसी प्रकार की कोई हताहत होने की? नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की। सबको सुरक्षित बाहर निकाल? सबको सुरक्षित बाहर निकल ले गए, अभी तक कोई हताहत होने की सूचना नहीं है।